तो किसी ने कहा परमात्मा का रहम और मतलब आत्माओं पे रहम, क्योंकि रहम जनरली परमात्मा से ही कनेक्टेड होता है। आत्माओं के लिए दया वर्ड यूज करते हैं परमात्मा के प्रति। तो भगवान रहम करता है, क्या करता है? तो तीन बातें हैं, बहुत डिस्कशन कर रहे थे। तो एक फॉरगिव मतलब क्षमा करने वाला रहम, कुछ लेवल तक परमात्मा जैसे बाबा कई बार कहते कंसेशन देता है, और दूसरा है कि बाबा वो आत्मा गिल्ट फ्री हो। कई बार हम कुछ गलती कर लेते हैं और उसके संकल्पों में रहते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मुझे करना नहीं चाहिए था, मुझे ये गिल्ट फ्री वाला फीलिंग आना, ये परमात्मा का रहम। और तीसरा ये तीसरा है स्वयं उसके पुराने संस्कारों को विनाश करने की शक्ति, वो संस्कार, ये रहम है। रहम परमात्मा का ये नहीं मेरा काम ठीक हो जाए, लेकिन ये परमात्मा का रहम है। तो परमात्मा रहम ज्ञान युक्त रहम है। तो हमारा रहम जब ज्ञान युक्त नहीं होता है तो वो रहम कभी फंसा देता है। तो ज्ञान युक्त रहम जो आज बाबा ने कहा, किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा, एक्चुअली क्या है, एक बार जानकी दादी पूरी सभा में थे, किसी को बोला, स्ट्रॉन्गली बोला कि उनको निकलना होगा, तो इस सभा से आप निकल जाओ। तब कईयों को संकल्प भी चला है कि दादी ऐसे कैसे बोल रही थी। तो क्या था कि वो आत्मा कई को डिस्टर्ब कर रही थी, तो जो मतलब समझाया भी था पहले, सब वो सब तो किया ही था, चांस देना करना, लेकिन वो डिस्टर्बेंस, तो दादी ने स्ट्रॉन्गली कहा कि नहीं निकल जाना है उसको। तो रहम भी है लेकिन रुहाब भी है। हम एक आत्मा के लिए, फिर बाद में पूछा गया दादी के, तो फिर इंटरव्यू होते ही है, बोला एक आत्मा के लिए अगर इतनी सारी आत्माएं पर डिस्टर्ब होती है तो वो उस आत्मा के लिए रहम नहीं कर सकते, तो वहां रुहाब यूज करना है। तो अब वो ज्ञान युक्त रहम जिसके पीछे रहस्य है, उसके पीछे पूरी क्लैरिटी है, तो इसलिए वो किसी को नेगेटिव फीलिंग में ला नहीं सकता है। तो दादी ने बहुत अच्छा ये बताया जब बाद में जब इंटरव्यू हुआ था दादी का। तो ज्ञान युक्त रहम, तो रहम चांस भी दे रहे, इसलिए बाबा ने कहा रहम और रुहाब, हम खाली चांस ही देते जाए ये भी रॉन्ग है। जैसे गुलजार दादी का था, वो नीलू बहन एक घंटा दादी क्लास कराती थी, एक घंटे के बाद एकदम आकर बैठ जाती थी, बस हो गया, आपकी बॉडी इतनी अलाउ करती है। अब वैसे देखा जाए तो उसमें कईयों को होता है कि अरे इतने सब छात्रक बैठे, सबको इतनी इच्छा है दादी को देखे, थोड़ा और बोलते रहे, कितना अच्छा है, कितनों का कल्याण है। नीलू बहन बहुत अच्छा कहती थी कि जिसको लेना है ना वो एक घंटे में ले लेगा, एक्सेस में, कोई ये नहीं कि ज्यादा लेगा। तो ज्ञान युक्त रहम ये है। तो जहां एक लेवल भी होता है रहम, रहम कहते रहम करते जाओ करते जाओ, ये भी नहीं, इसलिए ज्ञान युक्त रहम। तो उसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं है, क्योंकि इसके पीछे ये है, कोई की नेगेटिव फीलिंग नहीं है कि उसको ज्यादा दे रहा है उसको कम दे रहा है, क्योंकि ज्ञान के ज्ञान युक्त रहम में क्या लॉ है, ईर्ष्या में क्या होता है कि उसको तो बहुत किया, उस ईर्ष्या में ये वाला मेंटालिटी है, द लॉ है, तो चाहे ये है या ये है उतना ही करना है, तो ईर्ष्या नहीं है वो, एक्चुअली कंपैशन पिटी डिफरेंट है। इसको मर्सी ठीक है,
तो रहम, रहम की भावना, ज्ञान युक्त रहम। और वैसे दादी जानकी लास्ट पर्सन टू गिव अप, और वैसे लॉफुल रुहाब। रुहाब क्या होता है? तो ये आज का होमवर्क रहेगा। कहाँ है आज का होमवर्क? कार्ड मिला है ना सबको आज का, तो कहाँ गया कार्ड? बस यही कार्ड है। एक तो पहला वाला स्वरूप है, ज्ञान युक्त रहम, उसमें भाई कार्ड दो ना मुझे, इधर कार्ड नहीं आ रहा है, नहीं खोल रहा है, टाइम लग रहा है। आ गया, ले लेने जा रही है। फॉरगिविंग, ये तो ठीक है, हो गया है। हाँ, एक और बहुत अच्छी बात थी, सेल्फ ट्रस्ट, ज्ञान युक्त रहम जिसमें सेल्फ ट्रस्ट। किसी की भी गलती देखी, सुनी, समझी, अब उसमें आत्माओं के प्रति रहम, तो उस आत्मा का संकल्प मुझे नहीं चलता, ये परवश आत्मा है। जब भी मैं किसी की भी गलती देखूं, उसका असर नहीं होना, और उस ये मेरा रहम है। और उसका असर कब नहीं होगा? जब ये परवश आत्मा है, इसका पार्ट ऐसा है, इसका पहले भी पार्ट ऐसा था, इसलिए इसने बोए। तो जो ये वाला जो फीलिंग आएगी ना, और उसके बाद फिर रहम, भाई जो भी मुझे उसके अच्छा करना है उसके लिए, तो ज्ञान युक्त रहम। इसके बहुत सारे, अभी ये कार्ड में तो इतना ही आ सकता है ना, इसमें बहुत सारे संकल्प हो सकते हैं इसके, तो ये रहम करना है। और बाकी दूसरा तो करना ही है आज, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो सफलता आगे पीछे घूमेगी। बिंदु स्वरूप की लाइट माइंड। चीट करता है तो फिर रहम करना जरा मुश्किल होता है मुझे, जब कोई चीटिंग करता है तो। ज्ञान युक्त, इसलिए तो कहा ज्ञान युक्त रहम। रहम हम रहम नहीं, ओनली रहम नहीं कर रहे, ज्ञान युक्त। तो ज्ञान युक्त रहम क्या बोलता है? उस आत्मा, वो परवश आत्मा है, ये संकल्प बार बार आए, ये परवश है, इस आत्मा का पार्ट ही ऐसा था, पिछले कल्प में ऐसा ही पार्ट था, ये करता है, ये चीटिंग करता है, यही मेरी, ये मिस्टेक मैं करती जा रही हूँ। मतलब उसमें भी चीटिंग करे तो भी रहम करो, उसी को रहम कहेंगे ना। रहम मतलब क्या वर्ड है? रहम कि वो आत्मा के वो संस्कार जाए, ये शुभ भावना इज कॉल्ड रहम। ठीक है जी। दोष दृष्टि को ये वाला, इसलिए वो ज्ञान युक्त रहम नहीं होता है ना। वैसे तो बहुत, जैसे भी कोई वो जो आते बेगर्स, उस समय हम दे देते हैं, चलो दे 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 दे, फिर पता चलता है अरे वो वहां जाके पी रहा है, बोला अरे देखा, तो ज्ञान युक्त, हाँ ये माया का रहम, वो लौकिक दुनिया वाला रहम है। नहीं, फिर वो वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट। रुहाब आज बहुत, आज का बार बार पढ़ना है, रहम और रुहाब, जो दादी ने फिर क्लियरली कहा, नहीं मतलब नहीं, फिर बाद में जब वो आत्मा चेंज हुई करी, फिर दादी ने अलाउ की, सभा के बीच में कह दिया दादी ने, जो भी है वो है। तो रहम और रुहाब का बैलेंस, इसलिए कई बार कुछ बातों के लिए होता है डिसीजन लेना होता है। अब एक आत्मा के लिए 10 आत्मा को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना, इसके लिए। ओके जी, शांति। सिस्टर मैं